तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट में अभी तक जो किया था, हम इनहेरिटेंस पे आ गए थे। अभी तक जो भी हम चल रहे थे, जिस हिसाब से हम चल रहे थे, जो टॉपिक्स हमने किए थे, उनमें से हमने एक्चुअली इनहेरिटेंस में हम आ गए थे। तो हम इनहेरिटेंस से आगे चलते हैं अब। तो इनहेरिटेंस में अब हमने अभी तक किया था एक जो है बेसिक इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस की थी हमने, ठीक है। तो आज हम देखेंगे मल्टीपल और मल्टी लेवल जो इनहेरिटेंस है वो क्या होती है, ठीक है। अभी तक हमारे पास जो है, जैसे हमारे पास पहले होता था स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम, वही यूजिंग नेम स्पेस स्टडी, एक हेडर फाइल आयो स्ट्रीम, और हमारी जो मेन वाली फंक्शन होती है बिल्कुल उसी का वैसे ही करना, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहले क्या करेंगे, पहले एक क्लास बनाएंगे। उस क्लास ए इसका नाम रखेंगे हम सिंपल क्लास ए, एंड इसमें हम फिलहाल पब्लिक में एक फंक्शन ऐड करेंगे। हम इसका नाम रखेंगे फंक्शन ए, ठीक है। तो फंक्शन ए में हम प्रिंट एफ सॉरी सी आउट इन क्लास है, ठीक है। तो एक क्लास हमने बनाया, मल्टीपल इनहेरिटेंस देख रहे हैं हम कि एक से ज्यादा क्लास जब हम इनहेरिट करेंगे किसी क्लास में तो कैसे करेंगे, ठीक है। क्योंकि सिंगल इनहेरिटेंस का तो हमने बेसिक देखा है इससे पहले। तो एक क्लास ए हमने बना दिया सिंपल से, उसमें एक पब्लिक फंक्शन हमने लिखी, सिंपल पब्लिक फंक्शन फंक्शन एफ यू एन सी ए, फंक्शन ए इसका नाम रखा। और उसमें हम एक सी आउट कर रहे हैं, एक मैसेज डिस्प्ले कर रहे हैं सिंपली इन क्लास ए, ठीक है। अब हम एक एक और क्लास बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे क्लास बी। क्लास बी में भी हम ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, पब्लिक फंक्शन एक बनाएंगे फंक्शन बी, ये वाइड है कुछ रिटर्न नहीं करे तो उसको वाइड लिखेंगे हम, इसलिए यहां पर भी हम लिखेंगे वाइड के रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है। तो सी आउट यहां पर हम लिख रहे हैं क्लास बी, ठीक है। तो क्या किया अभी तक हमने, सिंपल दो क्लास क्रिएट किए हमने, एक का नाम है क्लास ए, ठीक है। उसमें एक पब्लिक एक फंक्शन है, फंक्शन ए इसका नाम है, और वो एक स्ट्रिंग आउटपुट कर रही है, सिंपल एक मैसेज दे रही है कि आई एम क्लास ए। ऐसे ही हम एक और क्लास बनाया क्लास बी, और उसको हमने उसमें भी ऐसे ही एक सिंपल एक मेथड हमने यूज की जो डिस्प्ले कर रही है आई एम क्लास एक स्ट्रिंग आई एम क्लास बी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम एक और क्लास बनाएंगे क्लास सी, उसका नाम रखेंगे। क्लास सी में हम फिलहाल मैं डेटा मेंबर्स कुछ नहीं ले रहा हूं, बस कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। उसमें हम लिखेंगे वाइड फंक्शन सी क्लास सी, ठीक है। अब देखते हैं हमारे जो स्ट्रक्चर है अभी तक का, जो हमारा स्ट्रक्चर है वो ऐसा है, ठीक है। हमारे पास एक क्लास ए है, उसके पास एक फंक्शन है, एक मेथड है, उसका नाम है फंक्शन ए। ऐसे ही हमारे पास क्लास बी है, उसके पास भी एक फंक्शन है, एक मेथड है, उसका नाम है फंक्शन बी। और हमारे पास एक क्लास सी है जिसका जिसके पास भी एक मेथड है जिसका नाम है फंक्शन सी, ठीक है। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो ये क्लास ए और क्लास बी है इनको हम इनहेरिट करें क्लास सी में, ठीक है। दोनों को इनहेरिट करें क्लास सी में। तो यहां पर हमें यही देखना है कि कैसे एक्चुअल में हम इनहेरिट करते हैं कोई चीज, हम कैसे इनहेरिट करते हैं। सिंगल इनहेरिटेंस तो हमने देखी, ठीक है। तो हमें एक्चुअली मल्टीपल इनहेरिट यानी मल्टीपल क्लासेस, क्लास ए और क्लास बी को हम चाहते हैं इनहेरिट करना, ठीक है। तो आई कैन डू सिंपली हियर दिस थिंग जैसे, ठीक है।
एंड देन आई कैन से पब्लिक ए कॉमा पब्लिक स्मॉल पब्लिक बी। जो ही मैंने ये स्टेटमेंट लिखा क्लास सी के बाद पब्लिक ए और पब्लिक बी, इसका मतलब क्लास सी ने इनहेरिट किया, क्लास सी के पास अब दो चीजें आ गई है, जो ए में था वो भी आ गई है और जो बी में था वो भी आ गई है। हम आगे चेक करेंगे क्या सच में ऐसा ऐसी चीजें हैं कि क्लास सी के बाद के पास दोनों चीजें हैं, लेकिन जो बेसिक है कि कैसे हम इनहेरिट करते हैं एक से ज्यादा क्लासेस किसी क्लास में, यानी सी क्लास में हमने दो क्लास इनहेरिट किए, वी यूज द कोड, रीयूज किया हमने कोड ए का भी और बी का भी, हम वो देखेंगे कि क्या ये एक्चुअल में हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास है क्लास ए क्लास बी और क्लास सी। तो हम क्या यहाँ पे करेंगे एक सिंपल एक चीज, वी विल डू सिंपल आई थिंक कि हम क्लास जो हमारे पास सी है, सी क्लास है, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं ओबीजे। ठीक है, अब उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसका नाम हमने रखा ओबीजे। तो ऑब्वियसली ओबीजे से अगर मैं कॉल करूं तो मैं फंक्शन सी को कॉल कर सकता हूं, क्योंकि ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये इसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया और इसमें एक फंक्शन है, फंक्शन सी उसका नाम है, तो उसको हम कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक के लिए हम एग्जीक्यूट करते हैं, फिलहाल देखते हैं रन करके क्या हो जाता है। जो हम इसको रन करते हैं मुझे एक मैसेज मिलती है इन क्लास सी, ओके ओके, यही आना चाहिए क्योंकि हमने क्लास सी का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट से उसमें जो मेथड्स है, उस क्लास में जो मेथड है उसको कॉल किया, उसको कॉल होना चाहिए, ये तो ठीक है, इसमें तो कोई इशू नहीं है, ओके इसमें तो हमें कोई इशू नहीं। लेकिन हम बोल रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे हम जो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब हुआ एक से ज्यादा क्लासेस को इनहेरिट करना, एक से ज्यादा क्लास, क्योंकि हमने क्लास ए को भी किया और क्लास बी को भी किया। इसका मतलब ये जो ये ऑब्जेक्ट है ओबीजेसी का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, इसके पास एक्सेस होना चाहिए क्लास ए का भी, यानी इस क्लास ए का भी एक्सेस होना चाहिए, इसके कोड का भी एक्सेस होना चाहिए और क्लास बी का भी एक्सेस होना चाहिए। तो हम वो देखेंगे क्या रियली हमारे पास ऐसा चीज है, हम वो कैसे देखते हैं, हम ऑब्जेक्ट से कॉल करते हैं उसकी जो भी फंक्शंस होती है। सपोज हमारे पहले हमारे पास है क्लास ए, क्लास ए के पास फंक्शन है फंक्शन ए। ठीक है, तो हम देखते हैं क्लास ए फंक्शन ए को हम कॉल करते हैं इस ऑब्जेक्ट से। ठीक है, हम देखते हैं क्या होता है। तो अब यहाँ अभी तक के लिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो जो ही हमने इसको एग्जीक्यूट किया, फर्स्ट स्टेटमेंट है इन क्लास सी जो कि था, उसने अपने क्लास को मेथड को कॉल की थी। एंड द सेकंड, जो ही हम सेकंड पे आ जाते हैं, यहाँ पे ये दिखा रहा है कि यहाँ पे दिखा रहा है सेकंड पे ये दिखा रहा है कि इन क्लास ए, यानी इस ऑब्जेक्ट ने जो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था, जो हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पे, ठीक है, ये सी का ऑब्जेक्ट है, सी का ऑब्जेक्ट होने के बावजूद भी इसने क्लास ए की फंक्शन को एक्सेस किया। अगर एक्सेस करने का मतलब कोड ये रियूज कर सकता है, इसका मतलब इनहेरिट हो गया है। ठीक है, तो ओके हम एक काम तो हमारा हो गया, एक जो है एक क्लास हमारा इनहेरिट हो गया है। ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन हम एक्चुअल में क्या चाहते हैं, हम एक्चुअल में चाहते हैं कि मल्टीपल एक से ज्यादा, हमारा जो कंसेप्ट है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस का है, क्योंकि हमने बी को भी कॉमा करके बी को भी इनहेरिट करना चाहा, तो हम देखें क्या ये बी को इनहेरिट कर सकता है। तो हम ओबीजे से फंक्शन बी को कॉल करेंगे, देखेंगे क्या ये एग्जीक्यूट होता है और बी वाली जो फंक्शन है क्या उसको कॉल हो जाता है। हम इसको रन करते हैं। ठीक है, जो ही हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो हमें यहाँ पे जो आउटपुट है वो हमारे पास है। पहले हमने एक यहाँ पे हमने पहले इस सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे। ठीक है, फिर ओबीजे से हमने क्या किया, हमने ओबीजे से फंक्शन सी यानी इसकी अपनी फंक्शन को कॉल किया,
तो उसने आउटपुट दिखाया हमें इन क्लास सी, ठीक इन क्लास सी आ गया हमारे पास। देन हमने उसी ऑब्जेक्ट से यानी सी के क्लास के ऑब्जेक्ट से ए क्लास जो हमने क्लास ए पहला क्लास बनाया था उसकी मेथड को कॉल किया और वो भी डिस्प्ले हो गया इन क्लास ए। फिर हमने उसी ऑब्जेक्ट से जो एक और क्लास हमारे पास था क्लास बी जिसका नाम था तो उसके जो मेथड है उसको भी कॉल किया तो हमारे लेकिन आउटपुट जब हम देख रहे हैं हम एक्चुअल में तीनों को कॉल कर पा रहे हैं। अगर हम तीनों को कॉल कर पा रहे हैं इसका मतलब जो ये इनहेरिटेंस है वो हमारी सक्सेसफुल हुई यानी हम सक्सेसफुली पॉसिबल हुआ हमें कि हम इनहेरिट कर पाए। ठीक है इनहेरिट करने का मतलब ही है इनहेरिट करने का मतलब ये है कि हम फिलहाल जो हमारा जो मेन जो फोकस है मल्टीपल इनहेरिटेंस का कि कैसे हम एक से ज्यादा क्लास को कैसे इनहेरिट करें। तो एक से ज्यादा क्लास को कैसे इनहेरिट करना है हमने एक तो जरूरी चीज है जिन क्लास को हमें इनहेरिट करना है ऑब्वियसली वो क्लास जो होने चाहिए वो क्लासेस हमें डिक्लेयर किए होने चाहिए ऊपर पहले ही वो क्लास अवेलेबल है। जैसे हमारे पास क्लास ए अवेलेबल है क्लास बी अवेलेबल है जब ये दोनों क्लास मुझे अवेलेबल है तभी जाके मैं इनको इनहेरिट कर सकता हूँ। यानी जो कॉमन सेंस है जब कोई कोड मेरे पास अवेलेबल है तभी जाके वो कोड में रीयूज कर सकता हूँ। रीयूज का मतलब ये हुआ है यूज मैं इसको वापस यूज करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे हमने इसको रीयूज किया रीयूज से क्या फायदा है कि हमें फिर से ये कोड नहीं लिखना पड़ रहा है अब लेकिन हम इसको इस्तेमाल कर पा रहे हैं और कैसे कर पा रहे हैं हमने जो भी क्लास हमें इनहेरिट करने हैं वो हमें ऐसे लिखते हैं क्लास सी हम देखते हैं जो भी क्लास हमें है उसके बाद एक कोलन हम डालते हैं ठीक है फिर लिखते हैं उन क्लासेस का नाम और एक्सेस स्पेसिफायर। ठीक है हमें अभी फिलहाल पब्लिक पे ही आ रहे हैं हमने प्रोटेक्टेड और प्राइवेट का भी नहीं देखा है हम पब्लिकली करेंगे सबको एक्सेस तो पब्लिक ए को भी किया एक्सेस कॉमा करके पब्लिक बी को भी एक्सेस किया। अगर आपको और भी करने हो सपोज यहाँ पे क्लास डी एक्स वाई जेड एक और भी है कोई तो कॉमा करके उसको भी एक्सेस किया जा सकता है वी कैन एक्सेस मल्टीपल क्लासेस तो दिस इज कॉल्ड एज मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है तो एक सिंपल एग्जांपल थी कि किस कैसे हम मल्टीपल इनहेरिटेंस करते हैं। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस अब हम देखते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के लिए भी हम एक प्रोग्राम नया बनाते हैं तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है एक क्लास को एक हम सिंपल एक जैसे हमने अभी किया था क्लास ए ठीक है तो क्लास ए बनाते हैं यहाँ पे हम क्लास ए में हम पब्लिक वाइड फंक्शन ए नाम रखते हैं इसका तो वाइड फंक्शन ए में हम वही सी आउट जो अभी तक हम करते आ रहे हैं इन ए ठीक है तो ऐसे ही मैं एक और क्लास बनाता हूं उसका नाम हम रखते हैं बी तो बी में हम फंक्शन बी एंड इन बी ठीक है तो दो क्लास हमने बनाई पहले क्लास ए और उसके बाद क्लास बी ठीक है लेकिन मल्टी लेवल हम कर रहे हैं तो मल्टी लेवल में क्या हो रहा है कि क्लास बी जो है ये इनहेरिट कर रहा है क्लास ए को ठीक है तो एक इनहेरिट कर रहा है क्लास ए को। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं हम मैं इसको कॉपी करता हूँ कोड को जल्दी करने के लिए तो मैं एक और बनाता हूँ क्लास सी और सी क्या करता है सी बी को इनहेरिट कर रहा है ठीक है तो वैसे ही हमने तीन क्लासेस बनाए जो अभी तक हम बना रहे थे क्लास ए वी हैव क्लास बी एंड वी हैव क्लास सी लेकिन
एक डिफरेंट चीज है यहाँ पे, मल्टीपल में हम क्या करते हैं, एक क्लास में इनहेरिट कराते थे एक से ज्यादा क्लास, लेकिन यहाँ पे वो नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास एक क्लास बेस क्लास है ए, ठीक है, तो लेकिन इसको डिराइव किया, इसको यहाँ पे यूज किया बी को, बी ने इसको यूज किया, लेकिन बी को खुद सी ने यूज किया, ठीक है। ये वैसी बात है जैसे हमारे फैमिली सिस्टम में वी हैव प्रॉपर्टी, और ग्रैंड जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है। सपोज माई ग्रैंड फादर हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ सम लैंड, सम लैंड समवेयर इन वन या टू कैनाल्स ऑफ लैंड, तो वो जो लैंड है फिर मेरे पापा को मिल जाती है एंड देन वो मुझे मिल जाती है, तो उसको बोलते हैं मल्टी लेवल, ठीक है, तो वो मल्टी लेवल आ जाता है। तो यही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं, क्लास ए है हमारे पास, उसको इनहेरिट किया है क्लास बी ने, और क्लास बी को इनहेरिट किया है क्लास सी ने, ठीक है। तो ये इन द लेवल्स आ गया है। तो यहाँ पे भी क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे भी अगर मैं सी का ऑब्जेक्ट एक बनाऊ ओबीजे, ठीक है, पहले तो सी में जो इसमें जो अपनी फंक्शन है, इसमें अपनी फंक्शन जो है एक मेथड हमने बनाई है, दैट इज फंक्शन इन सी, सॉरी यहाँ पे इसको फंक्शन सी नाम रखेंगे, इसका नाम है फंक्शन सी हमने नाम रखा, तो इससे ऑब्वियसली हम फंक्शन सी को कॉल कर सकते हैं, इससे तो कोई इशू नहीं है क्योंकि इसी का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहां तक हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं एक बार क्या हो जाता है। हाँ, इन सी, इसने यहाँ पे दिखा दिया इन सी कि मैं सी में हूं अभी, तो इसका मतलब ये तो ठीक है, यहाँ पे ये तो उसका बेसिक है, ये तो हमें पता ही है, सी का ही ऑब्जेक्ट है और अपनी फंक्शन को तो अपने मेथड को तो कॉल करेगा ही करेगा। लेकिन अब हम चाहते हैं कि क्या ये फंक्शन बी को कॉल करेगा, बी को तो इसने इनहेरिट किया है, क्या उसको कॉल करेगा, इसने बी को इनहेरिट किया है, ठीक है, तो ये भी होना चाहिए क्योंकि इसने इसको इनहेरिट किया है, ठीक है। हम इसको कॉल कर रहे हैं तो अब ये दिखा रहा है पहले इन सी देन उसके बाद इन बी, क्योंकि हमने इन बी लिखा है इसमें फंक्शन को, इस मेथड को कॉल किया है, तो नो इश्यूज हियर, इसने इसको कॉल किया। अब लेकिन अब काम, अब मसला है, इसने बी को तो इनहेरिट किया था, क्लास सी ने बी को इनहेरिट किया था, लेकिन क्लास सी ने ए को इनहेरिट नहीं किया था, लेकिन हमें देखना है क्या ये ए को एक्सेस कर पा रहा है। तो मैं लिख रहा हूं इस के ऑब्जेक्ट से इस क्लास ए वाली मेथड को मैं कॉल करना चाहता हूं, ठीक है। डायरेक्टली अगर हम देखें, डायरेक्टली क्लास सी ने क्लास ए को इनहेरिट नहीं किया है, लेकिन इनडायरेक्टली किया है, तो हम देख रहे हैं क्या ये इनडायरेक्ट से भी इसको एक्सेस कर पा रहा है, तो हम इसको कंपाइल रन एग्जीक्यूट करेंगे, तो हाँ, तो यहां पर हम देख रहे हैं जो हमारा आउटपुट आ रहा है, तो पहले हमने क्या किया था, हमने ऑब्जेक्ट बनाया था सी क्लास का, ठीक है, फिर सी क्लास के ऑब्जेक्ट से उसके अपनी मेथड को कॉल किया था, उसने अपने मेथड को कॉल किया, ऑब्वियसली अपने मेथड को तो कॉल करना चाहिए, फिर हमने उसने जो इनहेरिट किया था, उसने इनहेरिट बी क्लास को किया था, उसकी मेथड को कॉल किया, उसको भी किया, यानी सिंगल इनहेरिटेंस से हम कहते हैं, ठीक है। लेकिन फिर हमने क्या किया, हमने एक और मेथड को कॉल किया जिसको सी ने एक्चुअली डायरेक्टली इनहेरिट नहीं किया था, लेकिन जिसको सी ने इनहेरिट किया था उसने उस दूसरे क्लास को इनहेरिट किया था, यानी मल्टी लेवल में आ गया था, ठीक है। सी ने बी को इनहेरिट किया लेकिन बी ने खुद ए को इनहेरिट किया था, जब हम उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर उसको भी एक्सेस कर पा रहे हैं। तो दिस थिंग बिकम्स आवर की नोड के मल्टीपल में क्या होता है, मल्टीपल में एक क्लास एक से ज्यादा क्लास को खुद ही इनहेरिट करता है, लेकिन मल्टी लेवल में क्या होता है, एक क्लास एक को इनहेरिट करता है, लेकिन जिस क्लास को इनहेरिट कर रहा है इनडायरेक्टली उसने किसी और को इनहेरिट किया होता है, तो इससे क्या हो जाता है, वो इनडायरेक्टली वो उन सब के पास आ जाता है, यानी जो लास्ट वाला क्लास होता है, ये क्लास सी जो हमारे पास है, क्लास सी के पास सारा का सारा कोड अवेलेबल आ जाता है, क्लास बी का भी और क्लास ए का भी, ठीक है। यानी क्लास सी के पास क्लास ए का भी कोड अवेलेबल है और क्लास बी का भी कोड अवेलेबल है, तो दिस फॉर्म इज अ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। ये ऐसी बात हो जब हम बोलते हैं अपने साथ बोलते हैं कि माय फ्रेंड ऑफ माय फ्रेंड,
फ्रेंड ऑफ माई फ्रेंड, समथिंग लाइक दैट, फ्रेंड ऑफ माई फ्रेंड. लाइक आपको कोई काम कराना हो, आपके किसी से कोई काम लेना है, सपोज आपने कोई बुक लेनी है लेकिन आपके पास नहीं है, आपके फ्रेंड के पास नहीं है लेकिन आपके फ्रेंड के पास है, तो आप अपने फ्रेंड से मांगोगे, वो अपने फ्रेंड से मांगेगा, तो इंडायरेक्टली आपके पास आ जाएगी वो बुक. तो दिस इज मल्टी लेवल जो है, मल्टी लेवल वर्क इन दैट सॉर्ट ऑफ वे. ठीक है, तो इस तरह से जो है आज हमने देखा कि दो चीजें हमने देखी कि कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल एंड कंसेप्ट ऑफ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इन सो फार एज सी प्लस प्लस इज कंसर्न्ड.